नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रीडम 251 फोन स्कैम है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपने फोटोज न्यूज़पेपर ऑनलाइन न्यूज़ में देखी है वो फ्रीडम 251 फाइनल प्रोडक्ट की है ही नहीं, क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? नहीं, मैंने भी खुद का विश्वास नहीं करा था, लेकिन यही सच्चाई है। इन लोगों ने एडकॉम आइकन 4 फोन जो फ्लिपकार्ट पे 3700 का मिल रहा है वो लेके उस पे व्हाइट स्टिकर लगा के यही फोन मीडिया को दे दिया था और कहा था कि यही फोन फ्रीडम 251 है। जब ये सवाल रिंगिंग बेल्स के प्रेसिडेंट से पूछा गया तो ये कहते कि ये प्रोटोटाइप है, फाइनल यूनिट में बहुत सारी डिजाइन चेंजेस हो, तो मतलब किसी ने भी अभी तक फ्रीडम 251 का फाइनल प्रोडक्ट नहीं देखा। दूसरा पॉइंट, इस फोन का गवर्नमेंट के साथ कुछ लिंक है, क्योंकि जब इन लोगों ने ऐड दिया था न्यूज़पेपर में उस पे लिखा था डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और कुछ मंत्रियों के नाम लिखे थे, तो हमें लगा था कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। लेकिन रिंगिंग बेल्स ने क्लियरली ये बोल दिया कि इस फोन पे गवर्नमेंट 1 रुपए की भी सब्सिडी नहीं दे रही। फ्रीडम 251 रिंगिंग बेल्स का पहला फोन नहीं है। जी हाँ, रिंगिंग बेल्स ने पहले भी एक स्मार्टफोन लॉन्च करा था, स्मार्ट 101, और सबने पेमेंट कर दी थी लेकिन फोन किसी को नहीं मिला। डिलीवरी की लास्ट डेट थी 25 फरवरी, अभी वो लोग रिफंड दे रहे हैं। थर्ड पॉइंट, नो BIS सर्टिफिकेशन। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ये कंपलसरी कर रखा है कि कोई भी कंपनी फोन बेचती है इंडिया में उसे पहले फोन का सर्टिफिकेशन कराना होता है और उसके बिना फोन बेचना इलीगल हो जाता है, और इन लोगों ने अभी तक BIS सर्टिफिकेशन ही नहीं कराया। आईफोन के आइकन्स कॉपी किए हैं इन लोगों ने। अगर आप इस फोन के यूजर इंटरफेस को ध्यान से देखें आपको पता लग जाएगा कि इन लोगों ने आईफोन के आइकन्स की कॉपी की है। और ये सवाल जब इनके टेक्निकल हेड से पूछा गया कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं आईफोन के आइकन्स, तो वो टेक्निकल हेड कहता कि एप्पल ने कॉपीराइट नहीं लगाया आइकन्स पे तो हम यूज़ कर सकते हैं। ये जवाब सुन के मैं ज़मीन पे लोट लोट के हंसने लगा और सोचने लगा इसको टेक्निकल हेड किसने बनाया। और जिन जिन को मैंने ये 5 पॉइंट्स बताए हैं जो मैंने आपको बताए अभी, वो कहते कि दाल में कुछ काला है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि पूरी दाल ही काली है। अभी तक इन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप नहीं किया, BIS सर्टिफिकेशन नहीं कराया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जून 30 से पहले ये डिलीवरी दे पाएंगे, प्लस इनका नोएडा वाला ऑफिस भी इलीगल है और इन लोगों ने अभी तक कस्टमर केयर सर्विस को भी पैसे नहीं दिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बिकॉज हर 2 से 3 दिन में मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ।